4 अगस्त को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत भी दे दी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राहुल को सुप्रीम कोर्ट से क्या नसीहत मिली है, क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, क्या था पूरा मामला। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राहत मिलने के बाद राहुल ने आखिर क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है, मगर जो भी मेरा रास्ता है वो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, मेरे दिमाग में सब साफ है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये बात राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचकर कही। अब जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या नसीहतें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि गुजरात की निचली अदालत ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि आखिर मानहानि के इस केस में अधिकतम सजा क्यों दी गई, यानी 2 साल की सजा क्यों दी गई, और हाईकोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को जायज ठहराते हुए इस मुद्दे पर चुप रहा। एक तरफ राहुल गांधी को मिली राहत और दूसरी तरफ गुजरात की निचली अदालत और वहां के कई हाईकोर्ट के जो जजेस कह लीजिए एक तरीके से, उनको लताड़ जैसी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो चर्चा में नहीं आया है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सलाह दी है, नसीहत दी है। देश जिस सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत तो जरूर दी, उसी के साथ ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को यह भी याद दिलाया कि वो एक पब्लिक फिगर हैं, ऐसे में उन्हें इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो उन्हें नहीं करना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी का कथित बयान अच्छा नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि वो मामले के गुण और दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। गुजरात से आए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक तो लगा दी है, उसने ये भी कह दिया है कि गुजरात की निचली अदालत ने बिना कोई कारण बताए मानहानि के लिए अधिकतम सजा सुनाकर गलत किया। फिर गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया, जिसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। इसने ये भी कहा कि निचली अदालत से इस एंगल पर गौर तक नहीं किया गया। इस पूरे टिप्पणी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के आदेश ने न केवल एक व्यक्ति यानी राहुल गांधी के अधिकार को प्रभावित किया है, बल्कि वायनाड के पूरे जन समुदाय के अधिकारों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि संसद में उनका प्रतिनिधित्व इस सजा से खत्म हो गया। अब क्या राहुल गांधी से बड़ा संकट टल गया है? 2 साल की सजा के लिए राहुल गांधी की 8 साल के लिए चुनावी क्षेत्र से प्रतिबंधित किया जाना पड़ता अगर ये सजा सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के भाग 3 में यह कहा गया है कि ऐसे दोषी व्यक्ति को इस तरह की सजा की तारीख से चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाएगा, और 2 साल की सजा पूरी हो जाने के बाद अलग से 6 साल की और अवधि के लिए वो व्यक्ति अयोग्य रहेगा। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 का प्रभाव व्यापक है। वो न केवल याचिकाकर्ता के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार को प्रभावित करता है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करता है, जिन्होंने उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से ये कि निचली अदालत के जज ने मामले में अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया, वर्तमान अपील की सुनवाई लंबित रहने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर दलील दी कि ऐसा नहीं करने पर मानहानि केस में अधिकतम सजा दिए जाने के कारण धारा 8 का भाग 3 अयोग्यता का प्रावधान लागू करता है, इसलिए इसका सिर्फ राहुल गांधी नहीं उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता पर भी व्यापक असर पड़ा है। इन सब के बीच जिस पर चर्चा कम हो रही है वो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि राहुल गांधी को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये नसीहत दी है कि सार्वजनिक जीवन में इस तरीके के बयानों से, शब्दों के इस्तेमाल से वाकई बचना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।